भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अश्विनी, SNS न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए रुक करते महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों की ओर। भंडारा से काम कर लौट रहे व्यक्ति को सूर्यवाड़ा गांव के पास अज्ञात दुपहिया वाहन ने दी टक्कर, जिसमें उसके इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हुई मौत। यह हादसा कल शाम 6 बजे के करीब हुआ। भंडारा जिला अंतर्गत लाखनी तहसील में हुई दुखद घटना। बता दें कि लाखनी निवासी 25 वर्षीय प्रणय मोरेश्वर निर्वाण नामक युवक ने कल रात 10:30 बजे के दरमियान अपने आवास पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। आगे की जांच लाखनी पुलिस कर रही है। लाखनी थाना अंतर्गत केसलवाड़ा बाग से 18 बोरी धान चोरी हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, एक सप्ताह बाद भी चोर का पता नहीं चल सका है। इस संबंध में किसान गणेश कामने द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद जब उसने इस संबंध में पुलिस स्टेशन को पूछा गया तो वह टालमटोल कर रहे हैं। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी को भी एक बयान दिया गया है। बयान में बताया गया है कि गणेश कामने के 24 बोरी धान में से 18 बोरी चोरी हो गई है। मांगे कि मामले की तुरंत जांच कराई जाए और किसानों को न्याय दिया जाए। सोलापुर शहर के जिला जेल में ऐसी घटना हुई है जहां एक प्रहरी के पद पर कर्मचारी ने खुद को 3 बार गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह दिल दहला देने वाली घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे की है। विकास गंगाराम कोलपे 37 वर्षीय के रूप में हुई है। गोंदिया शहर में रहने वाली 13 साल की एक लड़की को भोपाल में 60,000 रुपए में बेचने वाले 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 22 मार्च 2019 को मामला दर्ज किया था। उसे बेचने की नियत से उसका अपहरण किया गया था। इस मामले में 7वें आरोपी को 4 साल बाद 9 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया है। सातवें गिरफ्तार आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सुकुलाना के प्रवीण लक्की राजेश बराई मैया के रूप में हुई है। उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहने और केवल 2 बार मंत्रिमंडल में प्रवेश करने का रिकॉर्ड बनाया। इसलिए शिवसेना नेता पूर्व मंत्री रामदास कदम ने कहा है कि उन्हें चुलकोमड़ा मुख्यमंत्री कहलाना होगा। बेईमानी करने वाले और जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले शिवसेना प्रमुख के विचारों को धोखा देने वाले उद्धव ठाकरे ने 2009 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, उन्होंने कहा। लेकिन 2019 में उन्होंने कांग्रेस के विचारों की मजबूरी लेकर हिंदुत्व को किनारे में रख दिया। सिंधुदुर्ग के देवगढ़ बीच पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। पर्यटन के लिए आए 5 पर्यटक डूब गए हैं और उनमें से 4 के शव मिल गए हैं, जबकि एक व्यक्ति लापता है। बताया गया है कि ये सभी पर्यटक पिंपरी चितवन की एक निजी सैनिक एकेडमी के छात्र है। मृतकों में 4 लड़कियां हैं जबकि एक लड़का लापता है। NIA और ATS ने राज्य भर में 44 स्थानों पर छापेमारी कर कर्नाटक में एक जगह पर छापा मारा गया है। इन सभी छापेमारी में 15 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से बम बनाने का सामान बरामद किया गया। घाटकोपर ट्रेन विस्फोट के आरोपी साकिब नाचन और उसके बेटे समीम नाचन को भी उठाया गया। 2 बाइक चोरों की गिरफ्तारी के बाद IS के स्निच नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साव के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड के दौरान 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके बिजनेस से किनारा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इतने नोट मिले हैं कि अब तक नोटों की गिनती चल रही है और शायद ये आंकड़ा 500 करोड़ के पार भी जा सकता है। ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की है। 2024 में सोलापुर की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आएगा। गंदी राजनीति का एक दशक अब खत्म हो गया है, जैसे रावण 10 मुख के थे। संजय राउत ने आलोचना करते हुए कहा कि उनके चेहरे भी उड़ जाएंगे।